एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज मेरे किचन में बन रहा है बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश चावल का मावा पीठा रेसिपी, जो अक्सर ठंडियों में बनाई जाती है। ये शरीर को ताकत तो देती है, साथ में शरीर को गर्माहट भी देती है और स्वाद में रसमलाई जैसा होता है। चावल मीठा पीठा कई तरीकों से बनाया जाता है, ये एक इंडियन डिजर्ट है। मैं आपको प्रयागराज स्टाइल में मीठा पीठा बनाने की रेसिपी आज शेयर करूंगी। तो रेसिपी बनाने के लिए चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मीठा पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल का आटा। तो ये घर का चावल आटा है, जो डेली यूज वाला चावल होता है उसी का ये आटा है। आप मार्केट से भी आटा ले सकते हो। मेजरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिया है और इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी भी लूँगी। तो आपका ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आप जिस कटोरी से जितना चावल लेंगे आपको उतना ही पानी भी लेना है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दिया। अब मैं गैस जलाऊंगी और इसमें एक उबाल आने तक पानी को गर्म करूँगी। पानी मेरा अच्छी तरीके से खौल गया है, तो गैस को बंद करके हम चावल के आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, कभी गुनगुने पानी में हमको चावल के आटे को नहीं मिक्स करना है। हमेशा एक अच्छे खौलते पानी में इसको डालना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको प्लेट से ढक देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से रेस्ट होता रहेगा। इधर मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है 1/2 टीस्पून तक देसी घी और ये मैंने लिया है मावा। तो ये घर का मावा है और वजन में लगभग 100 ग्राम तक है, तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। आप बाजार से भी मावा ले सकते हैं। गैस के फ्लेम का खासकर ध्यान रखना है, पतीले में जलने नहीं पाए। यहाँ मैंने लिया है नारियल का बुरादा, ये घर का बुरादा है, मैंने इसको मिक्सर में बनाया है। और यहाँ मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ मैं ले रहे इलायची अच्छे फ्लेवर के लिए, तो इलायची पाउडर को मैंने डाल दिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या इनमें से और ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। क्वांटिटी में दूध लगभग 1.5 लीटर है और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। आप अपने पसंदीदा कोई भी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच तक कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ और 2 चम्मच पानी मैंने उसको घोल लिया है। तो दूध में उबाल आने के लिए मैंने प्लेट से ढक दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से दूध में उबाल आ गया है। तो अब जो कस्टर्ड पाउडर को मैंने घोल बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चलाते हुए डालूंगी। चलाकर ही डालना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर थोड़ा वजन होता है तो वो नीचे बैठा रहता है और इसको डालते ही इसका टेक्स्चर बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी, उसी कटोरी से चीनी, जो लगभग 50 ग्राम है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में मैं डाल रही हूँ इलायची। तो यहाँ इलायची को मैंने खून कर डाला है, आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें केसर का भी यूज कर सकते हो। दूध में बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और एक अच्छी सी थिकनेस भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ताज़े गुलाब की पंखुड़ियों को। आप इसमें इसकी जगह रोज एसेंस का भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियों को स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से चलाएंगे ताकि पतीले में दूध लगने नहीं पाए। तब तक हम यहाँ मावा की स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तक भूरे को डाला है, आप चाहो तो चीनी को भी पीस करके डाल सकते हो। यहाँ ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करेंगे। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल ही रेडी हो गई, उसको साइड में कर लेते हैं। और जो यहाँ मैंने चावल का हम लोग डू बनाने के लिए रखे हुए थे तो अब उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हाथों में देसी घी लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसको मसल मसल के एक स्मूथ सा डू बनाएंगे। तो चावल के आटे को हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं बनाएंगे, मीडियम में बनाएंगे। अगर आपको हार्ड लगेगा तो आप गुनगुना पानी 1-2 चम्मच और यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। हाथों से मसल मसल के इसको बहुत ही स्मूथ सा डो बनाएंगे। अगर हाथ में इसको लेंगे तो हाथों में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए और अगर आप हाथों से इसको दबा रहे हैं तो बिल्कुल फटना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका चावल का डो बिल्कुल ही परफेक्ट होना है। और अगर लोइयों में क्रैक आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और स्मूथ करना होगा।
हाथ में देसी घी लगाएंगे और आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा बड़ा छोटा करके चावल के आटे का लोई बनाएंगे और इस तरीके से मावा को बीच में डालकर इसकी स्टफिंग को फिल करेंगे। जैसे गोभी का पराठा बनाते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसको फिल करेंगे और इस तरीके से गोला सा शेप देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ ओवल शेप भी दे सकते हो या इसको हल्का सा चपटा बनाकर भी शेप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से हम सारे चावल के आटे से चावल की पिट्ठियों को रेडी कर लेंगे। चावल के पिट्ठे बनाते टाइम आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब चावल के हम कटोरी जैसा शेप देंगे तो उसको बहुत पतला नहीं रखना है, उसको मोटा ही शेप रखना है और बहुत बड़ा साइज नहीं बनाना है, क्योंकि ये दूध में पकने के बाद इसकी साइज दुगनी हो जाती है। तो रेसिपी बनाते बनाते आप लोगों को बीच में याद दिला दूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे याद से फॉलो कर लीजिए। तो सारे चावल के पिट्ठों को मैंने रेडी कर लिया है, तो कुछ पिट्ठों को मैं हल्का सा चिपटा वाला शेप दे रही हूँ और कुछ को मैंने गोला शेप रखा है। ध्यान रखें अगर पिट्ठा बनाते समय आपका फट जाए तो उसको आप साइड में कर लीजिएगा, फटे हुए पिट्ठों को दूध में नहीं उबालना है, नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इधर हमने जो दूध को बॉयल करने के लिए छोड़ा था तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो रखा था, बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। तो अब इसमें एक एक करके सारे चावल के पिट्ठों को डाल देंगे और चलाना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है इसको। बहुत ही जल्दी चावल के पिट्ठे पक जाते हैं, 5 से 7 से 8 मिनट ही लगता है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। और पिट्ठे पकने के बाद दूध में तरने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पिट्ठा पक के रेडी हो गया है। तो अभी हमारा चावल का पिट्ठा बिल्कुल ही स्पॉन्जी सा रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट और रसमलाई जैसा। तो चलिए अब सर्विंग बॉल की तरफ चलते हैं। प्रयागराज से कौन कौन है और आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चावल का मीठा पिठा बनाती हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये चावल के पिठे आप गर्मियों में 12 घंटे और सर्दियों में 24 घंटे तक रख के यूज कर सकते हैं। बारीक कटे काजू और बादाम से इसकी गार्निशिंग करेंगे, तो आप इसको गरम तुरंत भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। गुलाब की पत्तियों से इसकी गार्निशिंग कर देंगे, बहुत ही अच्छा इससे भी टेस्ट आता है, आप लोग इसको भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। मीठा पिठा को फ्रिज में नहीं रखना है, अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो पिठा हार्ड हो जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो याद से मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।